कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए और 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 3,000 रुपए फेस्टिवल ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज मोगट थाने के सामने विजिट भी कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधि विभाग के एक नेता हैं जो आदतन परेशान हैं, सदा उनको पता नहीं पता कुछ कांग्रेस के नेताओं के नुस्ख निकालते रहते हैं और उनके खिलाफ जो है थाने में जाके प्रकरण दर्ज कराने की उनको शायद आदत सी पड़ गई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आदत जल्दी छूट जाए। बहरहाल, उन्होंने आज जो शिकायत की है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो नामांकन सभा यहाँ गांधी भवन में हुई थी उस दौरान हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री मोहन तिवारी जी जब सियापति रामचंद्र की जय बोल रहे थे उसी समय उनके द्वारा कही गई बात को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने उसकी एक छोटी सी क्लिप, जबकि उनको पूरा वीडियो सामने रखना था, वो न रखते हुए उसकी एक छोटी सी क्लिप उसमें जिसमें कुछ टेम्परिंग की गई उसके बाद उसको ले जाकर उन्होंने वहाँ गलत तरीके से पेश करते हुए विभिन्न धाराओं में उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया है। इसी बात को लेकर हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने गए थे और हमने उनसे कहा कि भाई इस मामले में जांच किए बगैर इतनी जल्दी प्रकरण दर्ज किया जाना बड़ी जल्दबाजी का विषय है, ये ठीक बात नहीं है, ये राजनीतिक द्वेष का विषय है, इसको आपको रोकना चाहिए। एसपी साहब ने हमसे कहा कि मैं इस मामले में कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं करूँगा जब तक कि इसकी जाँच पूरी नहीं हो जाती। इस तरह से आज हमने अपना विरोध दर्ज कराया, जो प्रकरण हमारे आदरणीय मोहन तिवारी जी के विरुद्ध दर्ज हुआ था। इस बारे में बहुत ही अच्छी कानूनी जानकारी हमारे वकील और हमारे विधि वेत्ता जो हैं श्री नमित नीरज और विदित शर्मा जी आपको दोनों बेहतर देंगे, तो आप उनसे बात करें। देखिए, हमारे जो एक भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा कांग्रेस पर्यवेक्षक पर उनकी वीडियो क्लिप पर दौड़ मड़ोड़ कर पेश करके प्रशासन पर अनर्गल दबाव देकर FIR दर्ज की गई है जो कि उचित नहीं अनुचित है। इसी संबंध में हमने आज SP साहब को निवेदन किया और उन्हें बताया कि ये खुला एक तरीके से प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन इनके दबाव में काम कर रहा है और बिना इन्वेस्टिगेशन के बिना किसी खोज और जांच और अनुसंधान के ये FIR करना उचित नहीं है। न ही इसके अंदर 65B का कोई प्रमाण पत्र लिया गया, न ही उनका कोई अनुमोदन लिया गया, न ही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का अनेश कुमार का पालन किया गया। उसमें स्पष्ट निर्देश है कि बिना जांच के आप किसी के ऊपर FIR नहीं कर सकते, न ही किसी धाराओं में उन्हें प्रतिबंधित कर सकते हैं। आपका परिचय? मैं नमित नीरज, विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष, खंडवा। हमारे पर्यवेक्षक जो मुंबई रहवासी है मोहन तिवारी जी, इनके विरुद्ध जो झूठा प्रकरण बनाया गया है उसके लिए हम SP साहब से मिले थे और हम लोगों का ये कहना था कि इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए, तथ्यों की जांच की जाए, उसके बिना तथ्यों की जांच के बिना उनके ऊपर जो प्रकरण बनाया गया है वो न्याय संगत नहीं है और इसकी फिर से जाँच करते हुए इस प्रकरण का खात्मा किया जाए। हम लोगों ने ये SP साहब के संज्ञान में लाए हैं। आपका परिचय? मैं विदित शर्मा, महासचिव शहर कांग्रेस कमेटी खंडवा। कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए और 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 3,000 रुपए फेस्टिवल ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज मोगट थाने के सामने विजिट भी कर सकते हैं।